ये आ गया भाई ग्रीप टूल, मस्त व्यू दिख रहा है यार। रह गया 2538 किलोमीटर। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आपका एक न्यू वीडियो के साथ। तो भाई अभी हमें रामा रेड्डी हाईवे पे अपने कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो यहाँ से अपना नागपुर रह गया 400 किलोमीटर सफर। तो जा रहे हैं, चल रहे हैं। आपको पता है सुबह 4 बजे अपना खाना मिला था, खाना खा के फिर आराम किया थोड़ी देर। भाई चल रहे थे कंटिन्यू और पहुंच गए अपने टूल के पास। ये देखो टूल कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी टूल। लेकिन इस टूल की थोड़ी हालत ख़राब लग रही है, लगता है थोड़ा ग्रीप टूल है इसको, ना कोई ऊपर से छाता है ना कुछ है। ऐसे खुले में सब ओपन में। सो गाइज, ये रही अपनी गाड़ी। तो गाड़ी अपना अभी तक कर रहे थे सफ़र, तो अभी रुके हैं चाय पीने के लिए। वो सामने पीछे ढाबा एक जगह, तो वहीं पे ढाबा पिए, ढाबे पे पिएंगे चाय, तो उसके बाद फिर से चलेंगे अपने सफ़र को करेंगे जारी। ये अपने फ्रंट टायर हैं और ये देखो व्हील कप थोड़े टेढ़े हो गए हैं व्हील कप। और ये अपनी डीजल टंकी है दूसरी, 550 लीटर की है। इससे ये टायर भी ठीक है, बड़े हैं। ये भी ये नए जोड़ी चढ़ाई थी गाड़ी में, इसके पीछे ये हैं। तो अब देखते हैं, इसी चक्कर जोड़ी डलवाएंगे अब। सॉरी, अपने स्टेपनी भी थोड़ा गंजा हो गया। ये रही अपनी गाड़ी पीछे से। और वो सामने देखो कितना बड़ा ड्रम है, बहुत बड़ा ड्रम है। ये अपनी गाड़ी का रास्ता दरबार जो सब किया था। ये देखो टायर, इसमें जितने भी पत्थर है सब निकालेंगे। ये भी अपने टायर अब 50% से कम बची है। ये टायर ये भी लेने के ही है। ये भी टायर ठीक है अपने। ये अपना यूरिया का टंकी है 40 लीटर का है, और ये 380 लीटर का डीजल का टंकी है। और ये अपना फ्रंट टायर है। ये रही अपनी गाड़ी सामने। ये देखो माल भी बहुत ऊंचा है, यहाँ से तो लग रहा है थोड़ा ये दरपाल डाल के, लेकिन ये ऊंचा बहुत है। सो सब छोड़ो, तो अब जा रहे हैं हम चाय पीने के लिए, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, चाय अपने पी लिए, तो अब चलेंगे। टूल में चेक कर रहे थे, ये कुछ उठ रहा था, तो टूल में अपने चेक किया। अब चलेंगे यहाँ से अपने सफ़र को करेंगे कंटिन्यू फिर से आगे। भाई भी कुछ नागपुर में वेट कर रहे हैं, लेकिन दिन को तो पहुँच नहीं पाएंगे, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। अब रात को ही पहुँच पाएंगे वहाँ पर। सामने आ गया भाई बोर्ड अपना, श्रीनगर रह गया 2538 किलोमीटर, नागपुर 384 किलोमीटर, निज़ामाबाद 65 और कामारेड्डी जो है वो 7 किलोमीटर है। अपना जो सफ़र है उसको चल रही है हम समझो आराम आराम से ही। पीछे आडियो ने भी रोका था, पक्का नाका होता है इनका आडियो का। और वो सामने अब से के गोदाम आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये देखो भाई क्या मस्त व्यू दिख रहा है यार। पहले उतराई फिर चढ़ाई, गाड़ी उधर से भी आ रही है और यहाँ से भी जा रही है। और देखो रोड के साइड में क्या खूबसूरत फूल हैं, और भी बहुत है। रोड भी साफ सफाई वाला है, अच्छा है। सो गाइस चल रहे हैं। ये देखो लाइट क्या बढ़िया से लगी हुई है, जैसे टावर है, और फूल भी है रोड पे देखने के लिए, बहुत शानदार है यहाँ पे। गाड़ी अवर टेक कर रहा है। तो
भाई चढ़ रहे हैं अपनी चढ़ाई, अब क्या करेंगे, चढ़ाई आगे मत, नेटवर्क चला गया, आ जाएगा फिर से नेटवर्क, आगे रुकेंगे कहीं ढाबे पे, लेकिन ढाबा अभी तक मिला नहीं कोई, आगे मिलेगा कोई ढाबा तो रुकेंगे, चाय पियेंगे, पानी भरेंगे, फिर चलेंगे। तो भाई ढाबे अपने के पास रुके हुए थे, सीरत पंजाबी वैष्णो ढाबा है, वो सामने बोर्ड लगा हुआ है। तो पानी पूछा तो कह रहे मोटर अपना ख़राब हो गया तो पानी नहीं है, ये सामने ढाबा है। तो चाय के लिए बोला है, ग्रीस नहीं मिली, नहीं ग्रीस करवानी थी, अब आगे रुकेंगे दूसरे ढाबे पे, ग्रीस करवाएंगे और पानी भरेंगे। पानी अपनी गाड़ी में जो है पूरी कैनी अपनी 20 लीटर की खाली हो गई है, और ये व्यू अपना गाड़ी पीछे हो रही है, देखो क्या देखने का अलग ही मज़ा है कुछ। तो गाइस सफ़र अपना जो है वो जारी है, तो बज गया अभी दिन के 2:45 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट अपना किया था, अब लंच करेंगे हम 4:30 बजे, चल रहे हैं। रोड भी बहुत मस्त है, अनुज भाई भी सो गए हैं, अभी पहुंच गए हम आदिलाबाद बाईपास पे। सो गाइस तेलंगाना का बॉर्डर को कर दिया क्रॉस, तो गाड़ी अपना बॉर्डर क्रॉस करते ही लगाई थी, साइड पे खाएंगे खाना अपना, सुबह बनाया हुआ था, साथ में ग्रीस वगैरह करवानी थी वो सब करवा दिया। वो जो सामने देख रहे हो आप खेत में, यही हुए बड़े हुए, यही अपनी गाड़ी में लोड है। खाना खा के अपने निकल गए हम, मामा भांजा राजस्थानी ढाबा है भाई, मामा भांजा, चल रहे हैं अपने सफर को रखा है जारी समझो। ये आ गया भाई ग्रीप टूल, नागपुर 150 किलोमीटर यहाँ से है और दिल्ली जो है वो है 1162 किलोमीटर। यार मुझे इन टूलों की समझ नहीं आती है, एक तो 5 मिनट के बाद टूल है, 5 मिनट के बाद रोड पे टूल है, और इतना पैसा कमाते वो पैसा जाता कहाँ? आपने देखा ही वीडियो में कि भाई ये टूल जो इसकी हालत कैसी है, इतना बड़ा हाईवे, इतनी लाखों के हिसाब से गाड़ियां चलती है, लेकिन ये पैसे डालते कहाँ हैं इन्हें? बीच रोड में खंबे की तरह टोल कर दिया खड़ा। रात के बज रहे 6:15 और अंधेरा हो गया फिर से, मतलब डेली होता है अंधेरा। अगरबत्ती लगानी थी, अनुज भाई ने लगा ली अगरबत्ती भी, तो अब हिंग गार्ड यहाँ से रह गया 10 किलोमीटर दूर और 100 किलोमीटर रह गया भाई अपना नागपुर, कंटिन्यू अपना ड्राइव कर रहे हैं। सो फाइनली गाइज अभी बच चुके हैं रात के 10 और हम पहुंच गए बॉर्डर के पास, बॉर्डर पे अपनी गाड़ी को रोक दिया गया है, अपनी को नहीं मतलब सारी गाड़ियों को रोका हुआ है, काफी जाम भी लगा हुआ है, और खाना अपना खाया नहीं है, सब्जी बनी हुई है और रोटियां जो है वो लेनी है। ये देखो भाई पंजाब दी गड्डियां, ये देखो भाई अन्ना। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 11 और अपनी सब्जी दिन की बनी हुई थी तो अब रोटियां लानी थी तो वो भी ले आए, ये रही अपनी रोटियां मूलियां लाए, तो अनुज भाई गए हुए पानी लेने के लिए, ये अपनी लाइट है इससे बहुत ही चमत्कार होता है, तो भाई खाना वगैरह अपना खाते हैं फिर अब। सो फाइनली गाइज अब अपना खाना खा लिया, रात के बज गए 11:15, देखो दिमाग भी घूम गया, 11:15 हो रहे हैं, 11:18, तो अपने सफ़र को करेंगे जारी, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए बिकॉज अभी टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, रात का टाइम है, सो अब चले गए। तो भाई आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, और डेली भाई पूछते हैं भाई खर्चा कितना आ गया, आज अपना खर्चा नॉर्मल भी गाड़ी का खर्चा लगा के अपना पर्सनल खर्चा लगा के कितना आ गया अनुज भाई? आ गया नॉर्मली कोई 5,000 के करीब आ गया, 5,000 के, क्योंकि आपको पता है बॉर्डर का भाई खर्चा बहुत है, 700-800 रुपया एक बॉर्डर पर लगता है। तो भाई जिसने मेरा व्लॉग आज तक कंटिन्यू देखा है तो हैशटैग लगा के गोलू भाई कमेंट में बताएं मुझे कि भाई कौन कौन भाई मेरा व्लॉग डेली देखते हैं। तो भाई टेक केयर, मिलते हैं अनदर व्लॉग में, अपना व्लॉग जो है रात के 12 बजे शुरू हो जाएगा, आने ही वाला है थोड़ी देर तक 12 बजे।